मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये थी कि मेहंदी हसन साहब के साथ मुझे गाने के लिए मिला। मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी कि मैं मेहंदी हसन साहब के गीत, मतलब जो उन्होंने बनाए हुए गजलें हों, वो मैं गाऊं, पर नहीं हो सका। दुख इस बात का है कि उन्होंने मेरे लिए कुछ 5-6 गजलें बनाई थी, और वो उन्होंने जब वो बीमार हुए तो किसी के हाथ भेज दी और कहा कि ये रिकॉर्ड करने के लिए कहीं। तो मैंने और मयूरेश ने बैठ के एक गाना उसमें से सिलेक्ट किया। कुछ नयापन है, कुछ गाने अच्छे हैं और कॉम्बिनेशन कमाल का है। लता जी का आशीर्वाद मेरी बेटी को इस फिल्म में मिला है। मेरे सारे आइकॉन्स इसमें हैं, सुरेश वाडकर जी, लता जी तो हैं ही, वो तो अलग ही दुनिया है। मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली जी, हरिहरन जी, सब मेरे आइकॉन्स हैं, और उनके साथ में मेरा बेटा गा रहा है, और साजली इतनी प्यारी सी बच्ची, सबका वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आई नेवर थॉट कि लता जी के यहाँ से उससे न्योता दिया जाएगा, और लता जी ने बोला कि सोनू के बेटे को गवाओ, एंड हमें वो तो गाता तो था घर में, बट आई डिडंट नो कि लता जी को क्या सूझा, उनको क्या सूझा कि उन्होंने मेरे बेटे को किया, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हर।